जय श्री राधे, सभी को स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग उत्सव चैनल में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपसे बात करने वाले हैं, इस चीज़ का समाधान देंगे। हर बार ये प्रश्न आता है, लगभग लगभग सभी का ये मन में प्रश्न होता है कि हमारे कोई भी फ्रूट्स एक दो फल देकर के प्लांट ख़त्म हो जाता है, फ्रूटिंग नहीं करता है। आप लोग ये हमारा फ्रेंड्स बैंगन का प्लांट देख रहे हैं, लगभग हम इसको 15 से 20 बार वीडियोज़ में दिखा चुके होंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या ना बिग साइज़ का बैंगन आया हुआ है। ये आप देखिए पूरी बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक फुली ऑर्गेनिक हमारा ये बैंगन है। आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ही स्वस्थ है, किसी प्रकार का इसमें हमने कीटनाशक वगैरह यूज़ नहीं किया है बैंगन में। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी इसकी सॉइल देखेंगे, इस छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है फ्रेंड्स। बिल्कुल हमने इसमें किसी प्रकार का भी केमिकल का यूज़ नहीं किया हुआ है इसको ग्रो करने में। तो अब हम इस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ऑर्गेनिक बैंगन आया हुआ है फ्रेंड्स, पूरा हमने इसमें आपको दिखा रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हमको काम क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको अपनी सॉइल की तरफ थोड़ा सा दिखा दें। मिट फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये हमारी सॉइल है। तो हमको मिट्टी में क्या ऐड करना है ऐसा जिससे कि हमारा ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये रेडी हो पॉटिंग मिक्स। देख रहे हैं आप लोग हमारी सॉइल है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जो हमारे इसमें बातें होती हैं हमको गौर करने की, वो ये है कि अपने मिट्टी में हम लोग पानी अच्छे से दें। फ्रूट ड्रॉप होने का, फ्लावर ड्रॉप होने का एक तो ये कारण होता है कि हमारा पानी अच्छा नहीं देते हम लोग, पानी कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी प्लांट सूख रहा है, इस बात का हम लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पानी की बात हो गई, हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में हमको क्या देना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र में देने वाले हैं राख। आप देखेंगे फर्टिलाइज़र ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक बिल्कुल शुद्ध राख है। आप लोग देखें ये हम लोग बस हमको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इस तरह से ऐसे मिट्टी में दे देना है। राख देने से फ्रेंड एक तो पोटेशियम की पूरी जितनी भी हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, वो कमी पूरी होती है। और दूसरा कि हमारे इसमें जो भी फंगस वगैरह अगर कुछ डेवलप हो रहा हो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग बिल्कुल फंगस के लिए तो इससे राख से डिपेंड रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जो भी लोग बोलते हैं साफ का डालें या फिर ट्राइकोडर्मा, वो ज़रूरी नहीं है, आप राख डाल सकते हैं, वो ऑर्गेनिक और बिल्कुल फ्री की चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग ने राख डाल दी है। उसके बाद हम आपको अगर बैंगन का साइज़ दिखाएंगे, कलर दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं क्या लश ग्रीन है। एक तो हमारी बात आ जाती है फ्रेंड्स हमारे तोड़ने के, उसमें बैंगन को हम लोग आपको हार्वेस्ट भी करके दिखा रहे हैं कि बैंगन हम लोग तोड़ते नहीं है समय पर। अगर हम लोग देखिए इतना बड़ा फ्रूट हो जाने देते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हमारा फ्रूट होगा फ्रेंड्स तो हमारी अगली फ्रूटिंग में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको तोड़ने में दिक्कत जाती है, ये हमारा देखिए ये टूट गया है एक बैंगन। और दिखाते हैं अभी हम आपको हार्वेस्ट करके यहाँ पर भी फ्रेंड्स, इस बात का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग जैसे ही हमारा फ्रूट रेडी होए बिल्कुल लश ग्रीन कलर का हो जाए, ग्रीन है आपका पर्पल है जो भी है, तो हमको उसको हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा फ्रेंड्स रीज़न होता है, देखिए आप लोग थोड़ा सा आपको हम लोग कैमरा नीचे करके दिखा देते हैं। हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण होता है हमारा किसी भी चीज़, जितनी अच्छी हार्वेस्टिंग करते हैं ना उतनी अच्छे हमारे ग्रो होती है वेजिटेबल्स। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये तीसरा वाला भी हार्वेस्ट कर रहा है। हार्वेस्टिंग आप लोग समय पर करते रहिए तो आपको आगे समय पर फ्रूट्स मिलते रहेंगे। देख रहे हैं आप लोग ये हमारे तीन बैंगन हमको मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स कि हम लोग और क्या दें लिक्विड में क्या दें, तो आप लोग को हम लिक्विड में दिखा देते हैं। लिक्विड में हम लोग फ्रेंड्स क्या देंगे ये आप देखेंगे, ये हमारा है केले के छिलके नीम खली का फर्टिलाइज़र। इसका वीडियो हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस इसके हम लोग लगभग एक ग्लास दो ग्लास इसको 1.5 लीटर 2 लीटर पानी में डाइल्यूट करके दे देंगे, और बस इस तरह से हम लोग ऐसे ग्रो करते रहें तो हमारी बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक छत पर ही ग्रो हो जाएगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय जय श्री राधे।